Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start our new topic in grammar, that is verb. Verb क्या होता है? कोई भी saying words, कुछ भी हम जो है किसी place के बारे में, किसी thing के बारे में, किसी person के बारे में अब कुछ बता रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? Verb. कोई भी एक्शन जैसे हम कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो ये सारे वर्ड्स क्या है? हमारे मेन वर्ब है. इसी के साथ क्या होते हैं, कुछ स्टेट भी बताते हैं जो कि क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जिनको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब. तो वर्ब से हमें दो चीजें पता चलती हैं, एक तो एक्शन, किसी भी पर्सन का, किसी भी कोई भी चीज जो होंगी उसका एक्शन, और दूसरा क्या होता है, स्टेट. तो अगर एक्शन हमें पता चलता है तो वो कौन बताता है हमें, मेन वर्ब. क्लियर? और जो स्टेट हमें पता चलता है, जैसे राम इज ए बॉय, राम क्या कौन है, एक लड़का है, या डॉग इज डेड, डॉग की स्टेट कैसा है कि मरा हुआ है, तो वहां पे जो है ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज करा है इस. और ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमें स्टेट के बारे में बताता है. और कहां यूज करते हैं, कोई भी मेन वर्ब होता है, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है राम इज डूइंग वर्क, तो राम इज क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, डूइंग क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया. तो मेन वर्ब को और भी मॉडिफाई करने के लिए या हेल्प करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं. तो इस तरह से वर्ब जो है हमें दो चीजें पता चलती हैं, एक होता है हमारा एक्शन और दूसरा क्या होता है हमारा, स्टेट. तो जितने भी हमारे मेन वर्ब होते हैं, जैसे राम लाफ्स, राम goes, तो ये क्या है, मेन वर्ब है. तो इसी को अभी हम जो है स्मार्ट बोर्ड में करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. इससे पहले हमने एडजेक्टिव करा था, आज हम करेंगे वर्ब. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं हम, तो आज हम करेंगे वर्ब करेंगे. क्लियर? तो ग्रामर में हम आज वर्ब करेंगे. इससे पहले हमने नाउन करा है, प्रोनाउन करा है, एडजेक्टिव करा है, और आई थिंक डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी मैंने आपको कराया था. तो इसको हम सेइंग वर्ब भी बोलते हैं, इसको कैपिटल लेटर से लिख लेते हैं, सेइंग वर्ड्स. वर्ड से हमें पता चल रहा है कि एक्शन का पता चल रहा है. तो वर्ब जो है हमें दो चीजें बताते हैं, एक्शन एंड स्टेट. तो वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन के बारे में. जैसे अभी मैंने बोला कि राम या श्याम या आई, अपने बारे में बता रही हूं, तो क्या पता चल रहा है कि उसे एक्शन से पता चल रहा है हमें, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है कि राम लाफ्स, राम क्या करता है, राम हंसता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब. क्लियर? तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी बच्चों, ये वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर saying something about some person or thing. ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं saying words. सिंपल सा एक मैं आपको यहां पे लिख के बता रही हूं कि वर्ब, ठीक है, तो दो बातें हमें पता चलती हैं, एक है स्टेट के बारे में दूसरा हमें क्या पता चलता है, एक्शन. क्लियर? तो वर्ब से हमें क्या पता चलता है, स्टेट और एक्शन. जो भी हमारे मेन वर्ब होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे मेन वर्ब हैं, और यहां पे हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब.
अब हम इनको बाद में पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब बाद में पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे स्टेट का पता चलता है इसे, राम इज अ बॉय, ठीक है, डॉग इज डेड, तो स्टेट का पता चल रहा है। और दूसरा हमारा जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ यूज होते हैं कि मेन वर्ब के साथ हम इनको यूज करते हैं। अब इंडिविजुअली हम इनको यूज नहीं कर पाते, ध्यान से देखें बच्चों, एक्शन अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब को हम जो है एलोन, वी कैन यूज मेन वर्ब एलोन, अलग से अकेले जो है हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला ही गोस, वह जाता है, तो मेन वर्ब क्या है बच्चों, गोस। तो गोस जो है अपने आप में जो है कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है, राम गोस, राम जाता है, एक्शन पता चल रहा है कि राम क्या करता है, राम क्या करता है, राम जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी राम इज, तो क्या है वो इनकम्प्लीट है। अगर मैं बोलूंगी राम इज गोइंग टू स्कूल, तो मेन वर्ब क्या हो गया आपका गोइंग, इज क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, तब जो है सेंटेंस हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो मेन वर्ब के साथ हम जो है इनको यूज करते हैं, किसको, ऑक्सिलरी वर्ब को, क्लियर। तो मेन वर्ब है जैसे आपके हैं रन हो गया, प्ले हो गया, लाफ, कोई भी जो है हमें एक्शन पता चल रहे हैं, गो ईटीसी, क्लियर, ठीक है, राइट, ठीक है, लाफ, कोई भी एग्जांपल लिख दो, राम गोस, ठीक है, दे गो। अब सिंपल सा इसका क्या शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट दे कैन स्टैंड अलोन, इनको हम अकेले यूज कर सकते हैं। ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या है हमारे इज एम आर वाज वर, सारे क्या है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है। दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को क्या करते हैं और भी जो है क्या करते हैं मीनिंग देते हैं, मॉडिफाई करते हैं उसको। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, हम अकेले यूज नहीं, इट इज, राम इज, तो क्या है ये इनकम्प्लीट है, तो अलोन हम जो है उनको यूज नहीं कर सकते। तो वर्ड्स दैट एक्चुअली words that actually shows the action action or activity activity of subject, ठीक है, क्या बताता है वो हमें, एक्शन बता रहा है और उसकी एक्टिविटी के बारे में बता रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम मेन वर्ब कहते हैं। और सेकंड पॉइंट इसका है दे कैन स्टैंड, हम इनको यूज कर सकते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन, फॉर एग्जांपल दे गो, ठीक है, वे जाते हैं, तो वे क्या करते हैं एक्शन पता चल रहा है, उनकी एक्टिविटी पता चल रही है कि वे जाते हैं, क्लियर। सिमिलरली ऑक्सिलरी वर्ब, अब जो ऑक्सिलरी वर्ब होते इज एम आर वाज वर, ये क्या हमारे सारे ऑक्सिलरी वर्ब है, इनको क्या बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसका क्या है दे गिव more meaning to किसको देते हैं more meaning to the main verb, main verb को जो है more meaning to the main verb they cannot stand alone, क्लियर।
अगर हम इसको अकेले कैसे यूज करेंगे, जैसे राम इज, जैसे अभी मैंने आई एम, ठीक है, तो वो मीनिंगलेस है, ठीक है, कोई मीनिंग ही नहीं, इनकम्प्लीट सेंस है, इनकम्प्लीट मीनिंग है, ठीक है। अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब में, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं, तो वहां पे जो है, या हम किसी की स्टेट बताएं, जैसे राम इज अ बॉय, तो वहां पे क्या है, राम कौन है, उसकी स्टेट बता रहे कि वो एक क्या है, लड़का है, या राम इज अ पुअर बॉय, या कुछ भी बोलते हैं हम, उसकी स्टेट के बारे में बता रहे हैं, जैसे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, या जैसे द डॉग इज डेड, तो डॉग कैसा है, मरा हुआ है, उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन को बता रहे हैं हम उसकी, कि कैसा है, द डॉग इज डेड, या ग्लास इज ब्रिटल, तो वहां पे हम जो है उसकी स्टेट बता रहे हैं कि कैसा है। तो दो चीजें, वर्ब हमें दो चीजें बताता है, एक तो स्टेट बताता है, दूसरा क्या बताता है, हमें एक्शन बताता है। जब स्टेट बताते हैं तो क्या हम यूज करते हैं उसमें, सिंपल सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है कहाँ यूज होते हैं, मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं। सिमिलरली मेन वर्ब जो है हमारा इंडिविजुअली जो है उनको यूज करते हैं, जब वो सब्जेक्ट की एक्टिविटी के बारे में या एक्शन के बारे में बताते हैं तो हमें पता चलता है। तो आई होप आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा, तो आगे जो है फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट है कि हमें वर्ब क्या बताता है, कि वर्ब से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है, जैसे मे टेल अस, एक तो बताता है व्हाट अ पर्सन, और थिंग, डस, क्या करता है, किस सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि वो क्या करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी पर्सन या थिंग क्या करता है या क्या होता है, क्लियर। जैसे मोहन सिंह, अब मोहन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, अब मोहन क्या करता है, व्हाट ही डज, तो क्या कहेंगे आप, सिंग्स, गाना गाता है, ठीक है, मोहन सिंग्स। तो यहाँ पे क्या है कि हमें पता चल रहा है कि कौन क्या करता है, कि पर्सन और थिंग के बारे में पता चलेगा क्या करता है, तो हमें कौन बता रहा है, ये हमें वर्ब बता रहा है, सिंग बता रहा है। अगर हम सिंग नहीं लिखेंगे, खाली मोहन लिखेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, इनकम्प्लीट रहेगा। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, सिंग्स, सब्जेक्ट क्या है आपका, मोहन, ठीक है। तो ये हमें क्या पता चल रहा है, एक्शन का पता चल रहा है। बॉयज रन क्विकली, लड़के तेज दौड़ते हैं, तो रन क्या है, बॉयज, बॉय रन बोल दिया मैंने तो क्या होगा, एक्शन का कहां से पता चल रहा है, रन से। सिंग, मेन वर्ब क्या हमारा, सिंग, मेन वर्ब क्या हमारा, रन, लड़के, ठीक है, दौड़ते हैं, तो क्या करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या बता रहा है वर्ब, हमें क्या बता रहा है, पर्सन, व्हाट ए पर्सन और थिंग डस। नाउ सेकंड, व्हाट इज डन टू अ पर्सन व्हाट इज डन तो ए पर्सन और ए थिंग। अब कोई भी पर्सन है या कोई थिंग है, ठीक है, व्हाट इज डन टू, क्या बोला है इसमें, व्हाट इज डन टू अ पर्सन, तो कौन बताएगा उस चीज के बारे में, वर्ब, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द चेयर इज ब्रोकन, चेयर कैसी है, टूटी हुई है, तो हमें कौन बता रहा है, ये वर्ब बता रहा है कि चेयर कैसी है, टूटी हुई है। ये विनय इज
पनिश्ड, कि उसको सजा दे दी है। किससे पता चल रहा है? वर्ब से पता चल रहा हमें। क्लियर? तो चाहे चेयर, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, उसके बारे में हमें कौन बता रहा है? वर्ब बता रहा है कि कैसी कंडीशन है उसकी, कैसा है वो। चेयर कैसी हुई है? टूटी हुई है। विनय को क्या हुआ है? पनिश्ड हुआ है। ठीक है, तो कौन बता रहा है? ये हमें वर्ब बता रहा है। तो वर्ब हमें क्या क्या चीजें बता सकता है, वो जो है यहाँ पे हम बता रहे हैं। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कि पर्सन और थिंग कैसे हैं, उसकी स्टेट के बारे में पता कैसे चलेगा। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज डेड, द डॉग इज डेड, ग्लास इज ब्रिटल, तो इससे क्या पता चल रहा है? व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कैसा है? गिलास कैसा है? टूटा हुआ है। डॉग कैसा है? डेड है। तो ये जो है हमें कौन बताता है? वर्ब। वर्ब में टेल अस अबाउट द थिंग, थिंग और पर्सन डज, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, क्या हुआ है उसके साथ, और व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कैसे हैं। क्लियर? अब कुछ रूल मैं आपको बताऊंगी, उसको ध्यान से देखें आप लोग, रूल उसी रूल को जो है आप फॉलो करें। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जो है वर्ब, सब्जेक्ट टू वर्ब कि क्या बोलता है। ठीक है, वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में, राम स्पीक्स द ट्रुथ, राम कैसे बोलता है, तो राम स्पीक्स द ट्रुथ, राम कैसे बोलता है, स्पीक्स द ट्रुथ। तो सब्जेक्ट के बारे में वर्ब बताता है कि वो कैसा बोलता है, राइट? क्या करता है? ठीक है, अभी इसको देखो, ध्यान से देखें बच्चों, कि रूल वन, छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको जो है आप लोग माइंड में रखें कि सब्जेक्ट के बारे में जो है वर्ब क्या बोलता है। सब्जेक्ट और वर्ब बोलता है, ठीक है। राम स्पीक्स द ट्रुथ, हिंदी में क्या हुआ? राम सच बोलता है। क्लियर? राम स्पीक्स द ट्रुथ। तो राम कैसे बोलता है? राम स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक है, स्पीक क्या है आपका? वर्ब। राम सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है कि वो कैसा बोलता है? ट्रुथ, सच बोलता है। क्लियर? रूल टू, क्या करता है, ने क्या किया, क्या करेगा। ठीक है, तो ये सारा जो है रूल टू में, जैसे हरी राइट्स अ लेटर, अब इसमें क्या है, हरी क्या करता है, हरी पत्र लिखता है, तो ऑब्वियस क्वेश्चन जो हमारे माइंड में क्या बनते हैं, क्या करता है, क्या 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 करेगा।
तो कौन बता रहा है? ये सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं दोनों एक दूसरे के बारे में जो है इंटरलिंक्ड हैं, और क्या बता रहे हैं वो आपस में, ठीक है? सब्जेक्ट और वर्ब कि क्या करता है, क्या किया, क्या करेगा, क्लियर? तो ये जो है जैसे राम हरी राइट्स अ लेटर, अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या करता है, हरी क्या करता है, हरी राइट्स अ लेटर, क्लियर? रूल थ्री है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्लियर? वॉस हो गया, ठीक है, कैसे करके जो है वो सब्जेक्ट से पहले हम यूज करते हैं, वॉस ही तो इसमें क्या है हमारा, वॉस क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और मेन वर्ब क्या हो गया आपका रीडिंग, क्लियर? अगर इसी को हम कहेंगे क्यों करके पूछेंगे तो क्या आएगा आपका, व्हाई इज ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव, व्हाई इज ही नॉट स्लीपिंग, वह क्यों नहीं सो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ गए, ठीक है? तो सेंटेंस वैसे ही रहेगा आपका, ये नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इज आपका क्या हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट लगा दिया, एंड दिस इज योर मेन वर्ब, आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिखना है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कल हम करेंगे ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो बच्चों आज हमने वर्ब पढ़ा है कि सेइंग वर्ड्स की किस तरह से वो हमें स्टेट के बारे में और एक्शन के बारे में, सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट के बारे में बताता है वर्ब। तो आप लोग जो हैं कल इसको रिवाइज करके आए, कल हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।